जिस चीज के लिए इन लोगों ने 70 दिन जेल में बिताए, अपना गेम पूरी मेहनत से सबको दिखाया, ये सब इन्होंने इस लॉकअप का विनर बनने के लिए किया। एंड लॉकअप के सीजन 1 के बैडएस फिनाले में इट्स टाइम टू नो कि वो कौन कैदी है जो सबसे पहले टॉप 3 में जाएगा। आप में से कुछ लोगों को आज तक तो कभी जनता ने बचाया है, तो कभी को कैदीज ने, या कभी मैंने। आज भी पहले राउंड में जजमेंटल जनता की वोटिंग आप में से किसी एक को टॉप 3 में लेके जाएगी। तो जनता भी आप लोगों की तरह हर हफ्ते रंग बदलती है, कभी किसी का पासा पलटता है तो किसी का पासा भारी होता है तो कहीं हल्का होता है। उसी तरह से जनता के कई बदलते हुए रंगों में बहुत ज़्यादा वोट्स अंजलि, मुनव्वर, शिवम, पायल, आजमा सभी को ही मिले हैं। लेकिन हमने देखा हुआ है इतिहास में, राजनीति में, कि एक वोट से भी सरकारें गिर जाती है। तो चाहे प्यार कितना ही मिला हो, लेकिन फिर भी कोई एक है जिसे जनता ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। वो कैदी जिसका जजमेंटल जनता ने साथ दिया है, वो बनेगा टॉप 3 में से एक। और वो कैदी है मुनव्वर फारूकी। Congratulations, Munawar. Thank you so much. जनता ने आपको लॉकअप सीजन 1 के टॉप 3 फाइनलिस्ट में पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच। लॉकअप की ऑडियंस हो या पूरा जो ऑडियंस है, जिन्होंने भी वोट किया, जिन्होंने नहीं भी किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Congratulations. आप बाकी 4 अभी भी टॉप 3 का हिस्सा नहीं है। आप में से कोई 2 टॉप 3 में जाएगा और आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वो 2 कौन है। सो ट्रॉफी की तरफ पहला कदम बढ़ाया है मुनव्वर फारूकी ने। बाकी फाइनलिस्ट की धड़कनें अभी भी तेज चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुनव्वर को 18 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिले हैं, लेकिन इस शो में पब्लिक वोटिंग सिर्फ यहां तक ही मैटर करती है। जैसा कि आपने जजमेंट डे एपिसोड्स में देखा है कि सिर्फ एक हद तक जनता की वोटिंग रहती है, उसके बाद में डिसीजन मेरा होता है। सो ट्रॉफी की तरफ पहला कदम बनाया है मुनव्वर फारूकी ने और बाकी फाइनलिस्ट की धड़कनें अभी भी तेज हैं। धाकड़ तो रिलीज होगी 20 मई को, लेकिन उससे पहले इस लॉकअप की कुछ धाकड़ लड़कियां जो हमेशा ही भारी रही हैं सब लड़कों पे, देखिए इनको। रखना मुझको प्यार करने दो, डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो, रखना रखना मुझको प्यार।
वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वाले मचिल कर दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, मतलब मैं तेरी सरकार बना दूं, टेबल को दिल बार बना दूं, वैसे तो हूं बादशाह, मैं आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा वे भी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, दूर के देखे जो कोई तुझको कान पे हो सके चार लगा दूं, जी भर के ना चल वेदी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में, धाकड़ गर्ल्स तो देख ली, लेकिन अब समय आ रहा है कि हम धीरे धीरे लॉकअप सीजन वन के रिजल्ट्स की तरफ पहुंचे। इट्स टाइम टू मूव क्लोजर टू द रिजल्ट्स। अभी तक सिर्फ मुनव्वर पहुंचा है टॉप थ्री में, इसका मतलब टॉप फाइव में से बचे हुए चार कैदीज में से सिर्फ दो टॉप थ्री में जाएंगे। ये राउंड किसी एक कैदी की डेस्टिनी डिसाइड करेगा।
आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि पुराने पाप मुड़कर वापस आते हैं और कई बार पुराने पापी ही वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों ने जेल में जो भी गुल खिलाए हैं, किसके साथ में क्या कर्मकांड किए हैं, वो शायद आपको याद नहीं है, लेकिन इनको अच्छे से याद है। तो ये अब डिसाइड करेंगे आप चारों में से कौन एक कैदी टॉप थ्री में जाएगा। गार्ड्स, आप अपने मर्जी का जो भी आपको लगता है कि टॉप थ्री में होना चाहिए उनका नाम लिख दीजिए और गार्ड के पास दे दीजिए। तो ये हैं एक्स कैदीज के वोट्स। पहला वोट, अंजलि। दूसरा, पायल। तीसरा, शिवम। पायल। अंजलि। अंजलि, पायल और शिवम, अब तक आप तीनों को दो दो वोट्स मिले हैं। तो अब ये अगले तीन वोट्स बहुत ही क्रूशियल हैं। या तो अगर ये आप तीनों में से एक को एक को जाता है या किसी एक को दो मिलते हैं, ये वोट्स तय करेंगे। पायल, पायल के इस वक्त तीन वोट्स हैं। ये अगले दो कार्ड्स डिसाइड करेंगे कि कौन सेकंड कैदी फिनाले में जाएगा। और ये दोनों ही वोट्स मिलते हैं अंजलि। कौन कह सकता था कि सोशल मीडिया पे रील बनाने वाली ये लड़की एक दिन इतने बड़ी शो में सबकी रील उतारेगी। शी इज, आई वुड कॉल हर द डार्क हॉर्स ऑफ द गेम। अंजलि अरोड़ा, यू आर इन टॉप थ्री। थैंक यू सो मच अंजलि। जब आप आई थी तो कोई नहीं कह सकता था कि आप टॉप थ्री फाइनल्स में होंगी। आपने जिस तरह से खेला है, जो आपने धाकड़ एटीट्यूड, केयर फ्री, चाहे ब्रैश ही एट टाइम्स, लेकिन यू हैव बीन एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग। थैंक यू मैम। और आपका जो भी कैदियों के साथ में केमिस्ट्री था, चाहे वो पायल के साथ लव एंड हेट था, चाहे वो साइशा के साथ में एनवीएस था, या चाहे वो मुनव्वर के साथ में फ्रेंडशिप थी, हर बॉन्ड आपका पब्लिक ने जो है इन्जॉय किया है। और जो आपका मूव टू फिनाले था, जिसमें आपने साइशा के साथ यू प्लेड अगेंस्ट मुनव्वर, इट स्टार्टेड सच अ फ्रेंजी ऑन सोशल मीडिया के लोग कहने लगे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सो यू हैव बीन एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ योर प्लेस टुडे एंड वेलकम टू टॉप थ्री। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू जिन्होंने मुझे वोट किया, साइशा, अली, जिशान, प्रिंस, थैंक यू, लव यू। टॉप थ्री में पहुंच चुके हैं अंजलि अरोरा और मुनव्वर फरूकी, और अब बचे हुए तीन कैदियों में से सिर्फ एक जाएंगे टॉप थ्री में। Thank you.
शिवम, आप बच्चे की तरह रो रहे हैं। अभी आपने तो आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अभी डिसाइड कर लिया कि विनर कौन है। नहीं मैम, वो बस जो चीजें मैं, कोई भी चीज जैसे मैंने ट्रॉफी को हकीकत में मैं एक बार उठाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। पर मेरे मन में 2.5 लाख बारी उठा चुका हूँ उसे, और जैसे जैसे होती जा रही चीजें थोड़ा सा घबराहट है। शिवम आपने जिस इमोशनल बंदा थोड़ा सा मैं, और कुछ नहीं। शिवम आपने मुझे बता, मैं आपका संडे हूँ, आप मुझे वहाँ तक तो बुला ही लोगे। शिवम आपने जिस सफलता से ये शो प्ले किया है, आप इस टाइम पे नेशनल कैच फ्रेज बन गया है, बूम बाम। थैंक यू मैम, आपकी बदौलत है मैम, थैंक यू। और मैंने हमेशा से ही कहा है कि शिवम ने पूरा शो इन्जॉय किया है, और अब फिनाले में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, फिनाले को कैसे नहीं इन्जॉय कर सकते। शिवम सारा के साथ जो है आपकी, चाहे वन साइडेड लव हो, चाहे अजमा के साथ नोक चोक हो, चाहे पायल के साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप हो, आपने चाहे केवी के साथ एक रिस्पेक्टफुल बडी का रिलेशनशिप हो, और जो एनर्जी लेवल तुम्हारे हैं शिवम, वो जो इंसान बिल्कुल साफ दिल का होता है ना, उसी के वैसे एनर्जी लेवल हो सकते हैं। तो आप जो है, आपने बहुत कामयाब तरीके से शो को हैंडल किया है, और इस वक्त भी आप इसको अपना वो मत मानिए कि हाँ ये जो है ये फाइनल रिजल्ट्स हैं, अभी भी दौड़ चालू है, और हमें पता नहीं आप तीनों में से वो कौन होगा। तो हम देखना चाहेंगे आपकी केमिस्ट्री, तो हमने वन साइडेड केमिस्ट्री तो हमने सारा के साथ देखी, हम चाहेंगे कि अगर आप दोनों अभी इस स्टेज पे आके थोड़ा और हमें एंटरटेन करें, एंगेज करें, विल बी ग्रेट। यस मैम, आपका हुक्म सर आँखों पर, आप देखो बवाल होगा।